उत्तर प्रदेश राज्य सीनियर रैंकिंग दो दिवसीय कैरम टूर्नामेंट का जीवनदीप शिक्षण संस्थान बड़ा लालपुर में शनिवार को शुभारंभ हुआ। इस टूर्नामेंट में 27 जनपदों के 60 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। शनिवार को खेले गए मैचों के परिणाम इस प्रकार रहे। टॉप सीडेड अब्दुल रहमान ने लीग के दोनों मैचों में मोहम्मद सलीम झांसी और अनिल सिंगले सोनभद्र को, उमर तनवीर कानपुर ने प्रयागराज के मोहम्मद सलमान और मोहम्मद आरिफ को, मोहम्मद आरिफ लखनऊ ने झांसी के प्रीतम सिहारिया और जौनपुर के सोएब अंसारी को और अनमोल वर्मा हमीरपुर के शहजाद मोर्दाबाद ने शमसुल हक मऊ और मोहम्मद सैफ कानपुर देहात को दो सीधे सेंटों में जहां विजय प्राप्त किया, तो वहीं वाराणसी के अशोक कुमार सिंह, कृष्ण दयाल यादव, अश्वनी चक्रवाल, शिव दयाल यादव, मऊ के मेहताब, आगरा के फैजल खान, फैज जमाल मुरादाबाद, मोहम्मद ओवैसी लखनऊ, मोहम्मद आसिफ प्रयागराज ने स्लैम के साथ इमरान खान कानपुर ने लीग का एक मैच जीता। इससे पहले टूर्नामेंट का उद्घाटन उत्तर प्रदेश सिंचाई आयोग के पूर्व अध्यक्ष वरिष्ठ नेता विजय शंकर पांडे ने अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी विश्व नंबर 2 अब्दुल रहमान और अंतर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी इंडिया नंबर 3 मंतसा इकबाल और उत्तर प्रदेश कैरम एसोसिएशन के अध्यक्ष बैजनाथ सिंह के साथ कैरम बोर्ड पर स्ट्राइक करके किया। इस अवसर पर आयोजन समिति के अध्यक्ष और जीवनदीप शिक्षण संस्थान के चेयरमैन डॉक्टर अशोक सिंह ने कहा कि प्रदेश के कोने कोने से आए हुए खिलाड़ियों का स्वागत और अभिनंदन है। हमारा मानना है कि कैरम खेल कम संसाधनों में खेला जाने वाला दुनिया का सबसे लोकप्रिय गेम बनता जा रहा है। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि संजय सिंह आनंद मिश्रा, टूर्नामेंट के प्रधान निर्णायक सरदार रणवीर सिंह, उत्तर प्रदेश कैरम एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष रमेश कुमार वर्मा, सहायक सचिव सिराजुद्दीन, उपाध्यक्ष इस्तियाक अहमद, संयुक्त सचिव अशोक कुमार सिंह और प्रदीप निगम, आयोजन सचिव अश्वनी चक्रवाल, कार्यकारिणी सदस्य रवीश कुमार, अशोक पांडे, एसके श्रीवास्तव, रेणुका राय, रवि आर्य, संदीप यादव, विनोद यादव, श्री प्रसाद झुनझुन गुप्त, कामना गुप्ता, गौरव गुप्ता, दीपाली यादव, ऋषिक केसरी, हरियाली सिंह, प्रियांशु, अंजलि गुप्त आदि सदस्य और निर्णायक प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता प्रदेश कैरम एसोसिएशन के अध्यक्ष बैजनाथ सिंह ने और संचालन संयुक्त सचिव अशोक कुमार सिंह ने व मैचों का संचालन प्रधान निर्णायक सरदार रणवीर सिंह और रमेश वर्मा के नेतृत्व में कुल 16 अंपायरों ने किया। उत्तर प्रदेश पूरे यूपी की स्टेट रैंकिंग टूर्नामेंट हो रहा है, उसमें जो 6 खिलाड़ी फर्स्ट 6 में आएंगे वो अगले महीने सीनियर मैच में खेलने के लिए दिल्ली में जाएंगे, उसी का ही सिलेक्शन कराया। कितने बच्चों ने भाग लिया है? इसमें 27 जिले के लगभग 60 खिलाड़ी भाग लिया।